The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों कैसे हैं आप मैं हूं डॉक्टर परमजीत आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन दोस्तों आज की दुनिया में सांस की बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं ना सिर्फ वायरसेस नए नए आ रहे हैं पोल्यूशन हो रहा है हवा खराब हो रही है ट्रैफिक धुआं और डस्ट कंस्ट्रक्शन जितना बोलो उतना कम तो ऐसे में सांस की बीमारियों में अस्थमा लोगों को बहुत होता जा रहा है जिनको बचपन से नहीं भी था उनको हो रहा है तो अस्थमा क्या है एक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसमें कि आपकी सांस की नलियां जो हैं वो सिकुड़ जाती हैं और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है ये होता है किसी ना किसी एलर्जिक रिएक्शन से किसी डस्ट पार्टिकल से हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से और वहाँ पर उस हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से इन्फ्लामेशन पैदा होता है सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती है ऑक्सीजन अंदर नहीं जाता आपको दिक्कत होती है ये बहुत कॉमन है और इंडिया में ही इसके 10 मिलियन से ज़्यादा केसेस आपको मिल जाएंगे ये ना सिर्फ आपके डेली एक्टिविटी पे बल्कि कभी कभी एक लाइफ थ्रेटनिंग अटैक भी पैदा कर सकता है और होने वाली कई बीमारियों में आपकी बीमारियां बढ़ सकती है तो इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये बच्चे बूढ़े जवान सबको हो सकता है कॉमनली इसके अंदर जो सिम्टम आते हैं वो सांस में दिक्कत यानी कि सांस में या तो आवाज़ आती है वीजिंग कफिंग खांसी छाती में कोई टाइट पना हो सांस फूलना हो या कभी कभी सिर्फ बलगम ज़्यादा प्रोड्यूस होना भी एक इनिशियल एलर्जिक रिएक्शन का साइन होता है बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन अगर हो जाए तो कई बार उसमें अस्थमा का अटैक आपको अस्पताल तक भर्ती करवा सकता है आईसीयू में वेंटिलेटर तक ले जा सकता है और स्टेटस एस्थमेटिकस जैसा कंटिन्यूस अटैक हो तो जान भी जा सकती है कई बार ये आपके एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा हो सकता है कि एक्सरसाइज करने पे अस्थमा हो गया ठंडी हवा की वजह से और ज़्यादा बढ़ सकता है या ऑक्यूपेशनल अस्थमा हो सकता है कि आपके जहाँ काम करते हैं वहाँ केमिकल फ्यूल्स गैसेस डस्ट पार्टिकल्स कंस्ट्रक्शन ऐसी चीज़ें हैं सो एलर्जी की वजह से जो अस्थमा होता है वो पोलन ग्रेन मोल्ड्स कॉकरोच वेस्ट या कई बार पार्टिकल्स जो सलाइवा ड्राइड पार्टिकल्स पेट डेंगर या स्किन पार्टिकल्स भी जो बाहर निकलते हैं इवन डैंड्रफ जैसी चीज़ों से भी हो सकता है अस्थमा अटैक जो है सिम्टम सिवियर हो जाए इससे बेहतर है कि उसके साइंस को समझें अगर आपकी सांस की रेट गति बढ़ रही है अगर आपका जो आपने इन्हेलर लेते हो उससे आराम क्विकली नहीं मिल रहा है अगर आपको बेहोशी जैसी आ रही है तो तुरंत अस्पताल जाएं यहाँ पर बात हो रही है एलर्जी की एलर्जी जो है वो आपका इम्यून सिस्टम फॉरेन सब्सटेंस को रिएक्ट करता है आपका डिफेंस मैकेनिज्म एक्ट करता है साइटोकाइंस निकलते हैं और इन्फ्लामेशन होता है तो कई सारे नोन एलर्जेंस में से आपको किस चीज़ से एलर्जी है उसके अलग से टेस्टिंग हो सकती है आपको एलर्जी स्किन पे आईज पे नोज पे साइनसिस पे आपके लंग्स पे चेस्ट पे इवन पेट और बॉवल इंटेस्टाइंस में भी एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं सो एलर्जी आपके जहां होती है उसके सिम्टम्स आते हैं नाक में हो तो खांसी सर्दी आपको छींके रनिंग नोज रेडिनेस इचिंग आईज में हो सकती है और जैसा मैंने पेट में हो तो उल्टी आ सकती है राइट अंदर सांस की नली में लंग्स तक चले जाए तो वीजिंग और कफ आ सकती है और छाती में सांस फूलना और टाइटनेस लग सकती है पोल्यूशन का एयर पोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल है आज के डेट में ना सिर्फ अस्थमा वाले पेशेंट्स की बीमारी बढ़ाने बल्कि नए अस्थमा के पेशेंट्स पैदा करने में और रिसर्च ये बता रहा है ना सिर्फ मॉडरेट टू सिवियर केसेस यंग लोगों में बढ़ते जा रहे हैं और ये 40% ज़्यादा लाइकली हो गया है अब ऐसे में जिनको ऑलरेडी हल्का फुल्का सांस की दिक्कत है पोल्यूशन वाले एरिया में उनको अस्थमा के एक्यूट एपिसोड्स आने के चांसेस 40% से ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपके आसपास पोल्यूशन ज़्यादा है सो एयर पोल्यूशन एक्सपोजर अपने आप में एलर्जीज अस्थमा और कई सारे प्रकार के एलर्जिक रिएक्शंस को बढ़ावा देता है सो ऐसे में आपको पोलन ग्रेन और जितने भी एलर्जेंस होते हैं डस्ट पार्टिकल्स से बचने की ज़रूरत है एयर पोल्यूशन एक्सपोजर जो है अस्थमा और प्रीवियस रेस्पिरेटरी इलनेसेस यानी कोई अगर आपको पहले कोविड हुआ हो टीबी हुआ हो स्मोकिंग करते हैं सीओपीडी है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा प्रोवोकिंग और डिजीज प्रोग्रेसिंग माना जाता है आपके रिस्क ऑफ लंग कैंसर को और सीरियस क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या फाइब्रोसिस को बढ़ा देता है आपके एयर पोल्यूशन की वजह से एयर पोल्यूशन को जितना खूंखार बताऊं उतना कम है बिकॉज ये आपके इवन बच्चे बुजुर्ग इनको बहुत लॉन्ग टर्म पे हर तरीके से आपके बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है
पॉल्यूशन में ओजोन, नाइट्रिक डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और स्पेशली पार्टिकुलेट मैटर, पीएम पार्टिकल, जो आप मास्क लेते हो ना N95, PM90, वो वाले पार्टिकुलर मैटर जो है ट्रैफिक रिलेटेड, इंडस्ट्रियल रिलेटेड, डस्ट कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वायरस तो है ही, मगर ये भी है। सो इसके सोल्यूशन क्या है, आप क्या कर सकते हैं आगे फ्यूचर के लिए आपको अस्थमा ना हो, आपका अस्थमा खराब ना हो। 2018 की एक स्टडी में पाया गया कि एयर प्यूरिफाइंग सिस्टम्स या एयर प्यूरिफायर्स जो हैं एक बहुत इफेक्टिव मेथड्स हैं आप अस्थमा के सिम्टम्स को रिलीव करने के, स्पेशली अगर आपके घर में बच्चे और बुजुर्ग हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है कोई या छोटे बच्चे हैं, तो ऐसे में 2018-2016 दोनों में स्टडीज की गई जिनमें देखा गया कि यू कैन एक्चुअली एयर प्यूरिफाई करने से आपके घरों में आप स्मोक और ऐसी चीजों को हटाने से can actually get rid of some allergens. Allergen हट गया तो एलर्जी नहीं होगी, एलर्जन हट गया तो एलर्जी नहीं होगी, तो दैट इज वेरी गुड। और 2018 वाली स्टडी में ये देखा गया कि अगर वो एयर प्यूरिफायर हेपा एयर प्यूरिफायर सिस्टम के साथ लैस है तो जो इंप्रूवमेंट है अस्थमा के पेशेंट में वो इवन एलर्जिक राइनाइटिस वाले पेशेंट्स में बहुत ही सही और उम्दा पाया जाता है, वेरी गुड एंड यू नो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इज देयर। सो ज्यादातर स्टडीज जो है वो इंप्रूवमेंट लॉन्ग टर्म भी दिखा रही है, मैनेजमेंट के लिए भी, प्रिवेंशन के लिए भी। सो इफ यू आर एस्थमेटिक या आपको कोई भी बीमारी है सांस की, आप अपने घर में रहते हैं, कोई ऑफिस में रहते हैं, छोटा बच्चा है, बुजुर्ग है, ये है, देन यू मस्ट इंस्टॉल एड एक एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम आपको अपने घर पे जरूर इंस्टॉल करना चाहिए। और इंडोर एयर क्वालिटी जो है वो और ज्यादा खराब होती जा रही है कई सारे बड़े शहरों में, वो भी आप देखिए, इंडोर एयर क्वालिटी इज बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स और घरों में अंदर वेंटिलेशन सिस्टम बंद होते जा रहा है। सो देर इज अ लॉट ऑफ इश्यूज गोइंग ऑन। सो इंडोर एयर क्वालिटी के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, मगर आज बताना है आपको इस पर्टिकुलर चीज के बारे में। सो एक एयर क्वालिटी और अपने घर में एक एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम खरीदने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उस एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम में हेपा ग्रेड एयर फिल्टर लगा हुआ है या नहीं, और उसमें आप प्रिफर करें जो मैक्सिमम हेपा H14 ग्रेड वाला आता है तो वो सबसे बेस्ट क्वालिटी एयर प्यूरिफाई करता है, बिकॉज एयर और ज्यादा खराब होती रहती है, छोटी सी खिड़की दरवाजा खुला तो और एयर अंदर आती है, अगेन इट्स नीड्स टू बी प्यूरिफाइड। सो एक तो उसमें प्यूरिफायर बेस्ट होना चाहिए, नॉइज कम होनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि सिर्फ बहुत हाई वोल्टेज पे काम कर रहा है, वोल्टेज ड्रॉप तो वो खत्म, ये नहीं, एक वोल्टेज फ्लक्चुएशन को वो सपोर्ट करना होना चाहिए। इसके अलावा उसके अंदर और भी कई अच्छी चीजें देखी जा सकती हैं, एक जैसे कोई आयनाइजिंग प्रॉपर्टी हो। आयनाइजिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है, एयर में अगर आयनाइजर आयंस अगर हम छोड़ देते हैं, वो आयंस क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स से कंबाइन करके उनको हैवी करके नीचे गिरा देते हैं, इवन वायरसेस और छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, एलर्जेंस नीचे बैठ जाते हैं तो एलर्जी आपके सांस की नली में नहीं जाते। और कोई वायरस बैक्टीरिया हो तो वो यूवी डिसइंफेक्टेंट, यूवी रेज के थ्रू पास हो, यूवी डिसइंफेक्टर उसके अंदर हो तो वो यूवीसी टेक्नोलॉजी जैसी चीज हो तो और अच्छा रहता है। सो दिस स्ट्रेटजी अगर आप यूज करेंगे हेपा फिल्टर और बाकी सब चीजों के साथ, तो आपको बेस्ट प्यूरिफाइड क्वालिटी एयर आपके घरों में मिलेगी। ये चीज के लिए आपको मैं आज एक प्रोडक्ट सजेस्ट करूंगा, जैसे कि पेट्रीमेड सीए कंपनी का नया APS 400 एयर प्यूरिफायर फुली इक्विप्ड है हेपा 14 फिल्टर के साथ, और इस फिल्टर की एफिकेसी 99% नहीं, 99.999% है। इसके साथ इसमें एक एयर आयनाइजर भी है और यूवीसी टेक्नोलॉजी के साथ यूवीसी रे से डिसइंफेक्शन भी हो रहा है। 1, 2, 3 नहीं, इसमें 8 स्टेज एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम है जो कंप्लीटली इंश्योर करता है कि आपके घर में अगर इसके थ्रू एयर पास होके आ रही है तो वो एयर बिल्कुल पोल्यूटेंट्स और सारे वायरसेस बैक्टीरियाज निकाल के सेफेस्ट क्वालिटी एयर आपके पास आती है। सो इसमें जो लेयर्स होती हैं, सबसे बाहर होता है एक आउटर मोस्ट वॉशेबल नैनो सिल्वर कोटेड प्री फिल्टर जो ट्रैप कर लेता बड़े बड़े पार्टिकल्स को, कार्बन फिलर्स और नैनो मॉलिक्यूलर सीव उसके आगे पीछे होते हैं जो ट्रैप करते हैं कोई अगर बदबू है, कोई गैसेस हैं उसको भी, कार्बन फिल्टर बहुत काम करता है उसमें। और उसके बाद जो हेपा 14 ग्रेड 4 H14 का हेपा ग्रेड फिल्टर है वो ट्रैप करता है पोल्यूटेंट और पार्टिकुलेट मैटर को अप टू 0.1 माइक्रोन, इतना छोटा भी हो तो भी, छोटे से छोटा इसमें वायरस भी पास नहीं हो पाएगा और चीजें आपके में प्यूरिफिकेशन होगी। और इट इज एन वेरी वेरी इफेक्टिव आयनाइजर फिल्टर जो पोल्यूटेंट्स को कैप्चर करेगा और
वो सेटल डाउन कर देता है आयनाइजर, जैसे मैंने बताया आपको. सो वाइल यूवीसी जो है इट कैन ऑल्सो सेटल डाउन थिंग कैन ऑल्सो किल रेसिडुअल माइक्रोब्स एंड कैन ऑक्सीडाइज द पोल्यूटेंट्स. सो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी आ जाती है. सो इसके अंदर आपको एक सेंसर भी मिलेगा, ऑन बोर्ड सेंसर, जो डिटेक्ट करके आपको डायरेक्ट उस समय की एक्चुअल एयर क्वालिटी मैट्रिक्स रियल टाइम पे डिस्प्ले करेगा. वो कलर एलसीएम टीएफटी डिस्प्ले आपको डायरेक्ट उस पे मॉनिटर पे मिलेगा. सो दिस फैसिलिटेट्स आपके आप डायरेक्ट मॉनिटर कर सकें कि आपको किस पावर किस स्पीड पे उसको चलाना है, नाइट मोड पे चलाना है, लो मोड पे चलाना है, हाई मोड पे चलाना है, पोल्यूशन कितना है आपके घर के अंदर, ऑफिस के अंदर, ये आप डायरेक्ट देख सकते हैं. इन बिल्ट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, अगर आप ऑटो में रख दोगे इसको तो. और इट कैन ऑल्सो गिव यू अ रिमाइंडर जब आपका फिल्टर जो है वो रिप्लेस करना हो. सो बहुत ही यूजर फ्रेंडली एडजस्टेबल, इवन फैन स्पीड एडजस्ट की जा सकती है. और इसके अंदर जैसे मैंने बताया नाइट मोड भी है, और बिकॉज यू कैन स्लीप विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, राइट. और इसके अंदर टाइमर फैसिलिटी भी है अगर आप इसे कुछ ही घंटों के लिए चलाना चाहें. इट्स अ हाई CADR जिसके अंदर बेसिकली जो उसकी कैपेसिटी है वो 400 मीटर स्क्वायर पर आवर वो आपके घर के एरिया को प्यूरीफाई कर सकता है. सो APS 400 आता है, APS 200 आता है, कार के लिए छोटा वाला आता है. सो देर आर मल्टीपल वर्जन डिपेंडिंग अपॉन आपका रूम कितना बड़ा है, आपका घर कितना बड़ा है. साइज अप टू 35 स्क्वायर मीटर्स कैन बी कवर्ड विद दिस APS 400 एंड इट वर्क्स सेटिस्फैक्टरीली इन अ वाइड रेंज ऑफ वोल्टेज फ्लक्चुएशंस. 140 से लेके 240 वोल्टेज भी फ्लक्चुएट होगा तो आपके घर में ये बंद नहीं होगा. सो दैट इज अ वेरी गुड यूएसपी, यू नो. उस इस प्रोडक्ट के बहुत अच्छे फीचर्स है, सबसे अच्छे फीचर्स कि इसके अंदर बेस्ट क्वालिटी फिल्टर है, फिल्टर एफिकेसी 99.999% है, वाइड वोल्टेज रेंज है, रियल टाइम डिस्प्ले है इंडिकेटिव ऑफ क्या हो रहा है आपके हवा का, और ग्रेड 14 का बेस्ट फिल्टर आपको मिलेगा जो कंबाइन हो रहा है आयनाइजर और यूवीसी टेक्नोलॉजी के साथ. इसके वजह से एक बहुत ही हाई क्वालिटी, हाईएस्ट क्वालिटी एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम मैं कहूंगा आज के डेट में ये है मार्केट में. इसलिए इसका प्राइस दूसरे कंपेरिजन ऑफ सस्ते लो क्वालिटी एयर प्यूरिफायर से आपको थोड़ा ज्यादा लगेगा, बट इट इज एब्सोल्युटली वर्थ इट. सो डू चेक इट आउट, मैं लिंक नीचे दे दूंगा. सो इफ यू केयर, इफ यू हैव अ पेशेंट अस्थमा वाला या कोई सांस की दिक्कत वाला, देन यू शुड डेफिनेटली हैव दिस एट योर होम. ऑलराइट, सो इसको चेकआउट करिए एंड स्टे कनेक्टेड. प्लीज शेयर दिस वीडियो. आई एम डॉक्टर परमजीत, यू आर वॉचिंग डॉक्टर एजुकेशन. बाय बाय.